बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल जी हैं। हम बात करेंगे आज संसद के गतिरोध को लेकर जो पिछले जब से चालू हुआ है तब से शोर शराबे में चल रहा है, जो हंगामा जो चल रहा है दोनों हाउस में, उसमें आपका क्या कहना है, कैसे इसको मैनेज करेंगे आप लोग? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सदन को जानबूझ करके बाधित कर रही है, क्योंकि जो मणिपुर का बहाना है वो केवल राजनीति है। जब मणिपुर पे सरकार ने कह दिया, गृह मंत्री ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि हम विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी के दोनों सदनों के नेताओं को भी पत्र लिख करके मैं कह चुका हूँ कि सरकार मणिपुर पे चर्चा करने के लिए तैयार, अन्य और सभी विषयों पर। स्पीकर साहब ने कहा पहले दिन ही कि हम मणिपुर पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो आखिर मणिपुर पे जब चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार, तो अब इसके बावजूद भी अगर सदन नहीं चलने दिया जाता तो मणिपुर कोई चर्चा नहीं करना चाहते, मणिपुर केवल राजनीति करना चाहते। अब यहाँ सदन चलने नहीं देंगे, आप शनिवार रविवार को मणिपुर जा रहे हैं विपक्ष के, आप चर्चा करते आप कहते जाके कि हमने ये बातें उठाई, तो आप केवल देश को एक संगठन बना के विपक्ष का गठबंधन, आप एक उस ताकत को केवल सदन को रोकने में कर रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है कि ये सिद्धांतों का गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। जब पूरी दुनिया जान रही है कि नरेंद्र मोदी जी को जब केंद्र में सरकार मिली तो दुनिया के टॉप 10 इकोनॉमी में हम थे, जब दूसरा टर्म आया तो दुनिया की 5 टॉप 5 इकोनॉमी में आए, और तीसरी बार जब हम 24 के बाद आएंगे तो प्रधानमंत्री ने खुद एक एजेंडा सेट कर दिया कि हम दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में आएंगे। तो दुनिया को क्या चाहिए, यहाँ चाइना अमेरिका फ्रांस इंग्लैंड वो फिनेंशियली क्राइसिस में है। आज हमारा इंडिया जो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारा GDP 6.2% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, तो दुनिया के लिए तो इस समय भारत एक एग्जाम्पल बन चुका है। चाहे कोविड के मैनेजमेंट का सवाल रहा हो, चाहे हमारे दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का रहा, या जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंजेज पे हम काम कर रहे हैं, तो दुनिया के जो बर्निंग इश्यूज हैं जो आज डेवलप्ड कंट्रीज को इनिशिएट करना चाहिए, आज वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैंने सत्ता से ज़्यादा भारत को डेवलपिंग कंट्री नहीं डेवलप्ड कंट्री बनाना। तो जो दुनिया की कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साइज को लेकर के आज हम लगातार 2 सालों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज मुफ्त दे रहे हैं। तो इस समय जब कोविड की वैश्विक चुनौती में लोगों के यहाँ टैक्सेस बंद हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गया, तब हमारी ऑन एन एवरेज 1.5 लाख करोड़ हम GST का हमारा कलेक्शन है, और जिस तरह से हम प्रधानमंत्री की शक्ति से लेकर के देश के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, तो आज विपक्ष जान रहा है कि देश की जनता अब समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत, उन्हें मालूम है कि हमारी हार सुनिश्चित है 2024। अब वो सब मिल करके और केवल अपने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आज इकट्ठा हो गए हैं। अब वो सदन में भी वही नहीं, मुद्दा है कि अभी भी मणिपुर चल रहा है, कल रात को भी न्यूज नेशन और टीवी में लगातार दिखा रही गोलियों की आवाज आ रही है, लोग सड़क पे सो रहे हैं, तो ये हंगामा कब तक वो करते रहेंगे और कब तक चलता रहे पूरा देश भी देख रहा है। मणिपुर आज चल नहीं रहा, कल रात को दोनों चरण लगातार इस समय आपने देखा कि खुद केंद्र ने भी मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज को दिया है, फ्लैग मार्च हुआ है, लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है जो लोग दोषी हैं, 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
तो आज ये नहीं है, आज मणिपुर में पीस को रिस्टोर करने का काम चल रहा है और वहाँ पे नावेलसी को सामान्य हालत बनाने की दिशा में काम हो रहा है। ये आज विपक्ष इसको हवा दे रहा है। आखिर मणिपुर की घटना में तो आज पूरी सख्ती से इनिशिएटिव किया जा रहा है। राजस्थान में तो खुद उनके मंत्री श्री राजेंद्र गुड़ा जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट की नंबर एक है राजस्थान में, जहाँ महिलाएँ सुरक्षित हैं, सड़कों पर चल नहीं सकती हैं। तो आज उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब वो यहाँ केवल एक सच्चाई उन्होंने कहा था सदन में, अब उन्होंने लाल डायरी की बात कही, तो अशोक गहलोत को लाल डायरी का जवाब देना चाहिए कि लाल डायरी में उनके जो भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठे हो क्या है। तो उसके कहने के बजाय वो इसको ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं। हमारी स्पीच को आज काट दिया गया। अब प्राइम मिनिस्टर अगर गए थे तो आपको आना चाहिए प्रोटोकॉल में, प्रोटोकॉल में आते आपका स्वागत, आपका पसंद हो। अब आप कह रहे हैं वर्चुअल जुड़ेंगे, तो ये राजनीति का दौर क्या है? जब विपक्ष के लोग मणिपुर का दौरा कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग को कभी कोई प्रोग्राम है सरकार की तरफ से, कोई अभी तक कुछ जाने का प्रोग्राम है? खुद गृहमंत्री आए हैं, अब विपक्ष राजनीति करने जा रहा है। और जिस समय घटना हुई थी खुद गृहमंत्री जी 3 दिन जाके रह के आए, तो जो भारतीय गृहमंत्री जी हैं वो स्वयं गए हमारे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि गृहमंत्री के जाने के बाद की घटना जो भी घटना जो पहली घटना हो चुकी थी वो घटना अभी जो आई है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, भारत के गृहमंत्री गए वहाँ सबसे बातचीत किया। अब जो घटनाएं घटी थी उसमें मुख्यमंत्री का बयान आया, गिरफ्तारियां होनी सख्त कार्रवाई होगी, केंद्र भी हस्तक्षेप कर देगा ना, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर। और उसमें सख्त कार्रवाई होगी जो भी दोषी। अब देखना होगा कि संसद की कार्रवाई कब तक चलती रहेगी शोर शराबे में, मगर इतना तय है कि मणिपुर में बेचार और विवश लोग आज भी मजबूर हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री वहां इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल बड़ी संख्या में लोग आहत हुए हैं। मैं बीराज बाबुल, ANA नई दिल्ली।